नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही सियासी पार्टियां बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में पिछले महीने ही बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे, जहां उन्होंने प्रदेश के साथ पूरे देश के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। माना जा रहा है कि सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। ये रणनीति बुधवार को देर रात भोपाल में हुई बैठक में तय की गई। इससे पहले पार्टी प्रदेश के 5 स्थानों से विजय संकल्प रैली निकालेगी और इस रैली का समापन के अवसर कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 30 जुलाई को बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा होगा और इस दौरान अमित शाह कनकेश्वरी गरबा मैदान में कार्यकर्ता बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उधर बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस भी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लगातार बैठक कर रही है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ भी सितंबर महीने में सेक्टर मंडलम और बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की फाइनल रणनीति बनाएंगे। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तमाम दलें अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में और बूथ लेवल पर मजबूत करने में जुटी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस पूरी तैयारी में लगी हुई है। हालांकि बात भाजपा की कर ली जाए तो भाजपा के आलाकमान लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर नजर आ रहे हैं और यहां पहुंच कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। इसमें फिर चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर यहां पर गृह मंत्री अमित शाह हो, हर कोई यहां पहुंच करके कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है। भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से नींव को मजबूत किया जाए। नींव को मजबूत करना यानी कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। जनता पार्टी का ये सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिनके पास संगठन का अनुभव है, सरकार चलाने का अनुभव है और जो 365 दिन 24 घंटे जनता के समक्ष में कार्यकर्ताओं के समक्ष रहते हैं। इसलिए कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ मिलता है, कभी अमित शाह जी का मिलता है, जेपी नड्डा जी का मिलता है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, अश्विनी वैष्णव जी हैं, शिवराज जी हैं, वीडी शर्मा जी हैं, हितानंद जी हैं, बीएल संतोष जी हैं और एक बहुत लंबी फहरिस्त है। पर कांग्रेस का ये दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी झूठे वादे मध्य प्रदेश में करके गए थे, आज मुंह दिखाने लायक बचे नहीं तो बहना को आगे कर दिया। परिवारवाद का असल मॉडल वो प्रियंका गांधी जिनको जिन जिन प्रदेशों में भेजा गया वहां सूपड़ा साफ करवा कर आई हैं, जमानत जब्त हो गई है, देश की सबसे पुरानी पार्टी विलुप्तिकरण की ओर आगे बढ़ गई है। वो प्रियंका गांधी जिन्होंने कभी पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ा, वो आके कार्यकर्ताओं को और जनता को राजनीति के गुण सिखाती हैं। हर राजनीतिक दल अपने इलेक्शन मोड पर है। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, हमारे मंडलम और बूथ स्तर पर माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर पार्टी ने संगठनात्मक व्यूहरचना तय की है और सितंबर माह के बाद उसे आमूलचूल ढंग से दिखाई देने वाली कार्यवाही भी होगी और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अब कितना भी प्रबंधन कर ले, वो एक ताश के महल के रूप में साबित होगा। जब जनता मन बना चुकी है कि हमें भाजपा को निपटाना है, तो चाहे कितना बड़ा बूथ प्रबंधन कर ले, बड़े बड़े कुलपतियों को बुला ले उस प्रबंधन को एग्जीक्यूट करने के लिए, पन्ना प्रभारी बना दे, हाफ पन्ना प्रभारी बना दे, होने वाले बच्चे का भी प्रभारी बना दे, पर हारने वाली है भारतीय जनता पार्टी। तो आज का विषय काफी ज्यादा खास है। आज बात करेंगे कि भाजपा और कांग्रेस किस प्रकार से अपनी चुनावी तैयारियां करती नजर आ रही है और हमारे साथ प्रमुख पैनल भी बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास प्रवक्ता बीजेपी हैं और अनुराधा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। देखिए, आप दोनों से अहम सवाल यही होगा मेरा पहला कि आखिरकार तैयारियां किस प्रकार से और इस चुनाव को लेकर के चुनौतियां किस प्रकार की। शुरुआत आप ही से डॉक्टर प्रेम साहब।
पार्टी का कार्यकर्ता तो 24/7 कार्यकर्ता ही है, और पिछले कई वर्षों से मैं आपको बताता हूँ बूथ मैनेजमेंट जो था वो आज हमने चालू नहीं किया। 1998 में मेरा बूथ सबसे मजबूत, सबसे पहला स्लोगन नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तब से लेकर अभी तक बूथ प्रभारी, महामंत्री, पन्ना प्रभारी, ऐसे 15 से 17 सदस्य हमारे एक बूथ पे होते हैं, और उसमें महिला कार्यकर्ताओं का स्थान भी तय होता है, वहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आवाज नहीं आ रही है। स्तर पे जितनी भी योजनाएं प्रदेश सरकार या राष्ट्रीय सरकार चला रही है उसको पहुंचाने का कार्य जो करता है हमारे कार्यकर्ता ही करते हैं। उसके बाद 63,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के डिजिटलाइज्ड है, ओटीपी वेरीफाइड है, 3 लाख से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, 63,000 जो है ये किसी न किसी पद पर है। दूसरा ये 40 लाख लोगों को डिजिटली एनरोल इन्हीं कार्यकर्ताओं ने कराया। प्रेम साहब मैं एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी, अनुराधा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करूंगी कि उनकी उनकी आवाज जल्दी से उन तक आवाज पहुंचाया जाए। जी प्रेम जी अपनी बात पूरी करें। भारतीय जनता पार्टी तो पूर्व से ही बूथ में कार्यकर्ताओं के एक एक कार्यकर्ताओं के साथ बैठना पसंद करती, एक एक कार्यकर्ताओं के दर्द को समझती और एक एक कार्यकर्ताओं के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उसको जनहित में प्रसारित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है। हम तो पूर्व से ही ऐसा नहीं थे और हम हमारे कार्य कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने बूथ प्रभारी नियुक्त करे, आज हमने महामंत्री नियुक्त करे, 5 अनिवार्य कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी आम जनों को साथ में मिलकर। ठीक है ठीक है, तो बीजेपी पूरी तैयारी में यहाँ नजर आ रही है। आराधना अनुराधा जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैडम थोड़ा पहले से। चलिए अनुराधा जी सवाल काफी ज्यादा सिंपल है, यहाँ कांग्रेस के लिए इस बार विधानसभा चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों, मैडम आपको सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सत्तासीन सरकार के डूबते जहाज को बचाने की कोशिश कुछ काम नहीं आएगी। मध्य प्रदेश की जनता आज शिवराज सरकार के कुशासन से त्रस्त है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी देख चुकी है। 18 वर्षों का कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का। आज आप देखिए बेरोजगारी चरम पर है, सब पोर्टल पर ही 1,21,00,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार है। और आप देखिए अभी कुछ रोज पूर्व की ही घटना है, मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई बहनों पर लगातार अत्याचार करते जा रहे भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। सीधी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि ने जो घोर अत्याचार हमारे आदिवासी भाई के साथ किया उसने हम सभी को शर्मसार कर दिया। फिर चाहे आप देखिए भावर में कहीं जीत से घसीटा जा रहा है, दलितों के खिलाफ आप देख ही रही हैं, आप तो कवर करते हैं, किस तरीके से रोज नए प्रताड़ना के केस आ रहे हैं सामने, कभी उनको हर तरीके से आज मध्य प्रदेश का हर घर परेशान है। और मैं आपको बताना चाहूंगी जी, मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में ही कांग्रेस को जनादेश दिया था और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के मूल्यों पर पुनर्वास किया मध्य प्रदेश की जनता ने सब देखा है। और शब्दों की चयन से जो आप बता रहे थे अभी जिक्र कर रही थी मैडम, सरकार ने वॉल्यूम और बढ़ा दिए जी। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने का मन बना चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता नाराज है, तभी तो गृह मंत्री जी उनको एडजस्ट करने की बात करते हैं। अनुराधा जी क्या ये नाराजगी ठीक उसी तरह वही उस वैसी ही नाराजगी है जो 2018 में कांग्रेस के बीच देखने को मिली थी? कांग्रेस की सरकार आप जो कह रही हैं, जनता ने जनादेश दिया था ये सर्वविदित है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया मध्य प्रदेश की जनता देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, और जो कांग्रेस कहती है सदैव करती है, 27 लाख किसानों का कर्जा 15 महीनों में से मात्र 11 महीने हमारे प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को मिले और उन्होंने करके दिखाया, 100 यूनिट बिजली माफ की। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्जा माफ होगा। चलिए ठीक है,
मैं आपको 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर हर घर को उपलब्ध कराएंगे, जिससे जनता को राहत मिले। कांग्रेस सदैव जनहित की बात करती है, जनता मिले, जनता को किस तरीके से राहत मिले, जन कल्याण की बात करती है, और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, कांग्रेस का पुरजोर हमेशा इस तरफ रहता है और कांग्रेस ने वही किया है। चलिए, अंतिम व्यक्ति तक अगर सुविधा पहुंच जाती तो सत्ता पलट की स्थिति किसी भी राज्य में ना आती। ठीक है अनुराधा जी, आपके पास वापस आएंगे और हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता भी लगातार बने हुए हैं प्रेम जी। प्रेम जी, यहाँ पर बात देखिए, कांग्रेस लगातार 2018 का जिक्र करती नजर आती है। 2018 में तो सत्ता पलट कर सरकार बन चुकी, लेकिन इस बार क्या करेंगे आप लोग? देखिए 2018 में भी इनको कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, 3 निर्दलियों के साथ में इन्होंने सरकार बनाई थी। इसका मतलब जनता की मंशा उस समय भी सही थी। 100 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जिस पर हार जीत का अंतर 1000 था। या तो हम योजनाओं को पहुंचा नहीं पाए थे या लोगों को व्यवस्थित हम उससे अवगत नहीं कर पाए थे। उस पर हमने काम किया, पिछले 5 सालों से सतत काम चल रहा है। दूसरी चीज, अगर सरकार गिराने की बात करते हैं, 76 में इमरजेंसी लगा के प्रदेश देश उस सब चीजों को देख चुका है, 91 में देख चुका है। आपने पूर्व में जो भी किया है वो प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है। दूसरी चीज, हमारी जो योजना है वो धरातल पर है, आप उसका मूल्यांकन करें। 11 लाख डिफॉल्टर किसानों का ऋण माफ कराया हमने। आपके समय के जो किसान है उन्होंने वीडियोस बनाए थे आत्महत्या के लिए, वे उभरे हुए थे, उन्होंने आंदोलन करे थे कि 24 घंटे के अंदर हमारा कर्ज माफ नहीं हुआ है। 20,000 रुपए के जिनका कर्ज था उनके मात्र 47 रुपए 45 रुपए, 50,000 के कर्ज वालों का 20 रुपए 30 रुपए, ऐसे तो कर्ज माफ हुआ था। मैं तो अपनी बात बताता हूँ, मेरे सगे चाचा है सागर में, उनका खाता है 2 लाख रुपए कर्ज था, नहीं माफ हुआ। मैं दूसरे की बात तो आप छोड़ दीजिए, मैं तो एक किसान परिवार से संबंधित हूँ, मेरे खुद के चाचा के साथ ऐसी प्रदेश की जनता ने 18 महीने खून के आंसू रोए, हर तरह की योजना बंद कर दी थी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी थी, ऐसी तमाम जनहितैषी योजनाओं को वे बंद कर चुके थे और इनमें घबराहट का माहौल है। छत्तीसगढ़ में 6 माह पूर्व में ये उप मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं, राजस्थान में यहाँ पर चुनाव होना है वहां पर वे सचिन पायलट को ड्राइवर सीट पे लेकर आए, मुख्यमंत्री जी से कोई प्रश्न होता है तो वे विवाह घोषित हो जाते हैं। तो हमारे में कहीं भी कोई भी ऐसी भावना नहीं है, हमारा कार्यकर्ता सतत 24/7 कार्य करता है, उसी का ये प्रभाव है कि 39 लाख लोग डिजिटली एनरोल हुए। लेकिन प्रेम साहब, कांग्रेस तो ये कहती नजर आ रही है कार्यकर्ता ज्यादा खुश नहीं है आपके, इसी वजह से यहाँ गृह मंत्री को बार बार आगमन करना पड़ता है, बार बार गृह मंत्री यहाँ पहुंचते हैं और कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटते हैं। नहीं नहीं देखिए, अगर गृह मंत्री का दौरा होता सिर्फ कार्यकर्ताओं के हेतु तो पहले प्रदेश में जो हमारा नेता है उनको सर्जिकल सर्जरी होती, उनको हटाया जाता। मतलब कहीं भी कार्यकर्ता कहीं भी नाराज नहीं है। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए वे पूर्व में भी 5 वर्ष पूर्व जब करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों लोगों को सदस्यता दी थी उस समय पर भी अमित शाह जी पधारे थे। तो हमारा संगठनात्मक हमारे रूप में तय होता है संगठन से कौन व्यक्ति आएगा और ये संगठन तय करता है। और हम तो खुशी होती, आशान्वित है हम कि हमारे प्रदेश के हमारे देश के बड़े बड़े नेता हमारे मध्य में आए, हमने जो योजनाएं चलाई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो पूर्णकालिक रूप से लोगों के लिए लगा रहा सतत 24 घंटे उसके उत्साहवर्धन के लिए मैं पधार रहे। ठीक है चलिए, यहाँ पर अनुराधा जी देखिए, बीजेपी पूरी तैयारी में नजर आ रही है। प्रवक्ताओं यहाँ पर अगर बात की जाए बीजेपी प्रवक्ता की, जैसा उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है, उनके आला कमान जो है वो पहुंच रहे हैं, पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। खुद प्रधानमंत्री जब प्रदेश में आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कांग्रेस के द्वारा रणनीति क्या, कैसे पछाड़ेंगे आप बीजेपी को? पूर्व में 2018 में भी जो आप कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में आए थे, क्या हुआ? जनता शिरोधार्य है, जनता मन बना चुकी है, जनता ने लेकिन अनुराधा जी, सरकार तो भाजपा की बनी ना, कांग्रेस को जनादेश दिया था। कंप्लीट मैप जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, अलाउ मी टू कंप्लीट। आप जो बात कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो 2018 में ही आए थे और 2018 में ही मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था। 18 और 23 के बीच में बना चुकी है कांग्रेस की सरकार बनाने का। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, आप बताइए, हिमाचल में गए थे, हिमाचल में भाजपा की सरकार हार गई, कर्नाटक गए उसके बाद में,
कर्नाटक में भी भाजपा को कुल्ली हार मिली कांग्रेस के हाथों, जनता शिरोधार्य है, जनता मन बना चुकी है और अब भाजपा के नेताओं का तीसरा राउंड मध्य प्रदेश को। ठीक, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा जो कांग्रेस कहती है वो करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, लेकिन अनुराधा जी, अनुराधा जी ठीक है, कमलनाथ जी ने कहा है कि किसानों को सिंचाई के लिए आप बार बार वही चीज रिपीट मत करिए। हिमाचल प्रदेश में 2 रुपए किलो में गोबर लेने की बात कही थी, 2 रुपए लीटर में दूध देने की बात कही थी और आपदा के समय पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट पर बढ़ा दिए। ठीक है, प्रश्न कर रहा हूँ उसी तरह केरल में आपने 5% अल्पसंख्यक हमारे किसानों को मध्य प्रदेश की, जिससे वे अपना उत्पादन बढ़ा सके और उनकी लागत में कमी आए। ठीक है अनुराधा जी, आप इस पंक्ति के व्यक्ति आ रहे हैं आपके पास प्रेम व्यास जी, इस ओर हमेशा कार्य करती है। ठीक है अनुराधा जी, आपने कहा कि 2018 में कांग्रेस को जन आधार मिला, भाजपा के आला कमान आए थे, क्या हुआ? लेकिन 2018 में और 2023 में क्या आपको फर्क नहीं लग रहा? 2018 के बाद भाजपा की सरकार आई, भाजपा की सरकार ने जनता को खुश करने के जिस तरह के योजनाएं बनाई, उसके बाद आपको क्या नहीं लगता कि 2023 में भी इस बार जन आधार जरूर बीजेपी की तरफ हो सकती है? क्या लगता है आपको? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जी, 18 सालों का शिवराज सरकार का कुशासन है, 22,000 घोषणाएं कर चुके हैं। मैं पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, घोषणाओं पे घोषणाएं, घोषणाओं पे घोषणाएं, अब तो चुनावी समर है तो नित नई घोषणाएं, इन घोषणाओं का धरातल पर क्या क्रियान्वयन हुआ बताएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की जनता। और मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, आज भारतीय जनता पार्टी का अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने सवाल किया है, जवाब देने का मौका आपको मिलेगा। नहीं मात्र खर्च करना है तो कैसे विकसित होगा मेरा मध्य प्रदेश? और प्रति व्यक्ति 51,118 रुपए का कर्जा है, भारतीय जनता पार्टी का घोर कुशासन है, मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है शिवराज सरकार से। आप देखिए कितनी नियुक्तियां हुई है सरकारी, आप बताइए। मैं पूछती हूँ भाजपा से, और नित नए धांधली सामने आते हैं। अभी हाल ही में पटवारी धांधली में आप देखिए, ये व्यापक पार्ट 3 है मध्य प्रदेश। चलिए ठीक है, आज मध्य प्रदेश का नौजवान अपने आप को छलावा महसूस कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, आप देखिए आज युवा क्या चाहता है, युवा रोजगार चाहता है और श्रम पोर्टल पर मध्य प्रदेश। देखिए देखिए अनुराधा जी, रोजगार युवा जो चाहता है, किसान जो चाहता है, वो हर राज्य में चाह रहे हैं, देश भर में किसानों की वही मांग है, फिर चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, युवा रोजगार के लिए अभी भी तरस रहे हैं। तो बार बार ये कह देना कि युवा क्या चाहता है, ना तो आपकी सरकार सोच रही है युवाओं के लिए और ना जाने अब कौन सी सरकार युवाओं के लिए सोचेगी। तो बार बार ये कह देना कि युवा क्या चाहता है, क्या चाहता है, सिर्फ वादे करके दावे करके साइड हो जाना, ये ठीक है चलिए। रोजगार के थे और आज क्यों आंकड़े हैं वो आप देखें, आपको रिपोर्ट्स ये बता रही है। चलिए ठीक है, ठीक है अनुराधा जी, आपने आपने बोल लिया, अब आपने बोल लिया, कई सवाल कर लिया, अब जवाब जवाब सुनिए। ठीक है प्रेम व्यास जी, प्रेम व्यास जी आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पे सारे, अनुराधा जी अपनी बारी का इंतजार करें आप जी। प्रेम जी रिपोर्ट है 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। दूसरा, आपने हिमाचल प्रदेश में जो घोषणाएं करी थी, 2 रुपए किलो में गोबर लेंगे, 100 रुपए किलो में दूध देंगे, ठीक है, वे घोषणा कहीं भी धरातल पर नहीं आई। तीसरा, जब हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और वर्षा बाधित क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता हुई तो उस समय पर आपने डीजल के रेट बढ़ा दिया। दूसरी, जहां पर भी आपने राजस्थान में सरकार बनी वहां पर किसानों की क्या परिस्थिति है, क्या बिजली के बिल आ रहे हैं वहां पर किसानों को पिछले 5 सालों से? प्रेम जी ध्यान मध्य प्रदेश पे दीजिएगा जरा। ठीक है मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात मैं आपसे मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, हर क्षेत्र में आपको रिजल्ट मिलेंगे। बिजली पहले कितनी उत्पादित होती थी, 3,147 के आसपास, आज 28,000 के आसपास निर्मित हो रही है। इस क्षेत्र में सड़क निर्माण में 1,00,000 किलोमीटर सड़क हमने बनाई है। आदिवासी जनजाति योजना के लिए 28,00,000 मानव दिवसों का सृजन किया है।
कौन सी जगह पे भारतीय जनता पार्टी आज वाटर प्लस हो गई है, इंदौर और भोपाल, शायद इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। जब भट्टा ढार की सरकार थी तब सड़कें नहीं थी, शाम को 6 बजे बिजली चले जाती थी। 18 महीने की आपकी सरकार में प्रेम जी सड़कों की ना प्रेम जी सड़कों की समस्या अभी भी बरकरार है। हम रोज खबरें पढ़ते हैं, हमारे रिपोर्टर्स हमारे सहयोगी रोज जमीनी स्तर से रिपोर्ट्स भेजते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप अगर पूर्व का काल देखेंगे तो सड़कों का जाल कहीं नहीं थे। आज मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्राम का व्यक्ति भी जुड़ा है। दूसरा, कृषि में 38% गेहूँ निर्यात हो रहा है, प्रदेश प्रथम पोजीशन पर है। देखिए, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की है पानी की, आता ही नहीं है इसमें। जी जी प्रेम जी अपनी बात पूरी करें। 38% के साथ गेहूं फर्स्ट पोजीशन पे है, तिलहन फर्स्ट पोजीशन पे है, 8 ऐसे उत्पादन है जिसको जीआई मार्क की श्रेणी में आया है, वाटर प्लस हो चुका है, कई सरोवरों के निर्माण हुए हैं, योजनाओं के अंतर्गत हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है, वे धरातल पर मौजूद है। अगर ये कहते हैं कि तो 18 महीने में एक औद्योगिक घोटाले के व्यक्ति को आपने मुख्य सचिव बना दिया। ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है। आप वक्त थोड़ी सी वक्त की थोड़ी सी कमी, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अनुराधा जी चलिए शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप ओवरऑल इस चुनाव को लेकर के, और बूथ स्तर पर आप भी तैयारी में जुटे हैं, भाजपा भी तैयारी में जुटी है, किस तरह से अलग तैयारी करेंगे और इस बार कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे आप, जल्दी अपनी बात पूरी करें। कांग्रेस सदैव जन कल्याण के जनहित के मुद्दे सदैव उठाती है, सड़क से लेके विधानसभा और संसद के पटल तक। मैं आपको बताना चाहूंगी, सत्तासीन सरकार के डूबते जहाज को बचाने की कोई कवायद काम नहीं आएगी। मध्य प्रदेश की जनता आज शिवराज सरकार के कुशासन से त्रस्त है और जनता मन बना चुकी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता ने देखा जो कांग्रेस करती है, कांग्रेस ने वो करके दिखाया। हम तो कहते हैं चलिए कि भाई 18 साल क्या जो उन्होंने काम किया है, जो कहते हैं घोषणाओं पे घोषणाएं, बताएं ना धरातल पर क्या स्थिति है, ठीक है, बता के भारतीय जनता पार्टी में पूछते हैं। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है प्रेम साहब, प्रेम ठीक है, घोषणाओं पे घोषणाएं, चलिए ठीक है अनुराधा जी, ठीक है प्रेम साहब कांग्रेस पूरी तैयारी में इस बार नजर आ रही है, कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी में, रैलियां हो या बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ को आगे बढ़ाने का, उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य हो, कांग्रेस पूरे जद्दोजहद से लगी हुई है, भाजपा किस प्रकार से करेगी तैयारी? 5 साल पहले ये लोग जब चुनाव आ जाता है उसके ठीक पहले ये लोग कार्यकर्ता के सूचक पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 वर्ष तक चुनाव के पश्चात भी, चुनाव के पहले भी, चुनाव के समय भी 24 घंटे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी क्या भाजपा क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता किसके तरफ सुनाती है अपना जनाधार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो चुनावी दौर है, सियासी उठापटक भी जारी है और यहाँ पर भाजपा कांग्रेस पूरी तैयारी में है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी जिस प्रकार से भाजपा वादा करती नजर आ रही है सरकार दोहराने का और कांग्रेस वादा करती नजर आ रही है सत्ता पलट का, देखने वाली बात होगी मध्य प्रदेश की जनता आखिरकार क्या चाहती है। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, नमस्कार।